इट्स अनदर मॉर्निंग गाइस। आज अपने आई टाइम में आई चेकअप कैंप लगा हुआ है, तो बापू के पास चलते हैं, पुराने वाले घर पे हैं, और थोड़ी आग भी चेक करा देंगे और थोड़े मूवमेंट शेयर करते हैं आपके साथ। तो देख रहे के इधर हेलो कर दे, हेलो 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 कर दे, हेलो हेलो हेलो। तो चलिए चलते हैं और करते हैं अपने मूवमेंट शेयर। जय आखाओ कैंप लाए रहो आई टीम कैसे के करा वो आंख चेक करेंगे भाई। आंख हम बता दिया कितनी ठीक से के नहीं, दवाई बता दे दिया। 10 बजे पास चालू हो जाओ। ठीक चल आओ चल बढ़िया। तो चलिए चलते हैं आज। और फिर वो डॉक्टर आएंगे उड़ा बड़ा बड़ा है डॉक्टर के पे मार यू बताऊं बबू जान। हां वो आंख मन तेरी आंख चेक करेंगे फ्री में। ठीक है चला 10 बजे चालू हो। ठीक है मैं जोड़ मत आया तो ग्राउंड में थी, फिर मेरी याद आएगी, फिर मैं चल बोझ लू बापू कड़ा। तो चलिए चलते हैं, आज है आई चेकअप कैंप अपने आई टी अकादमा में। तो यहाँ पे बड़े बड़े डॉक्टर सर्जन आ रहे हैं को शेयर करते मोमेंट्स। बापू की भी थोड़ी आँख कॉप की है, वो बुनवाई थी बोलते हैं हरियाणा में, तो भी थोड़ी प्रॉब्लम है, तो चेक करवाएं क्या कुछ है। लेट्स गो फॉर इट। अभी पुराने वाले घर पे आए हुए थे भाई, पुराने घर ने जाके बापू थे कह आए। बापू जोड़ी बटन ला रहे थे जी, बापू का पुराने घर ने लाग है। तो अभी पूरा हरियाणा में बढ़िया क्रेज चल रहा है भाई 75 फाट का। अंकित भैपुरिया भाई, राहुल धान रानिया और चारों तरफ बढ़िया फिटनेस की तरफ लोग अवेयर हो रहे हैं। और आप भी ग्राउंड पे तो जाते हैं ही भाई जर्नली, कितने दिन हो गए भर्ती भुर्ती की तैयारी चल रहे हैं, तो सोचा क्यों ना ट्राई करिए जाए भाई 75 हार्ड है। तो अपन भी स्टार्ट कर दिया आज भाई 75 हार्ड का। बाकी आप सभी इंजॉय करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करते रहें साथ साथ, और बना रहे अपना आशीर्वाद। ओके हाँ 10 बजे स्टार्ट हो। यहाँ पे कार्यक्रम ठीक ठाक लग रहा है भाई, बहुत अच्छा। चलिए करते हैं आपके साथ मूवमेंट शेयर। आते हैं भाई, चलो देखते हैं क्या कुछ प्रोग्राम है यहाँ पे। बताया था सोमवीर होने रिजल्ट सारे आ रहे भाई, प्रोग्राम बहुत बड़ा लगता है। चलिए देखते हैं क्या कुछ सिस्टम है। सो गाइस ये देखो पहुँच चुके हैं अपने कादमाई टे के अंदर। यहाँ पे निःशुल्क नेत्र जांच है शिविर। तो चलिए अंदर क्या कुछ इवेंट्स है शेयर करते हैं आपके साथ, फिर बापू को लेके आएंगे भाई। ठीक है हम देख सकते हैं यहाँ पे रजिस्ट्रेशन सेक्शन बनाया गया भाई। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो रहा है, और यहाँ पे अभिवादन के लिए स्टेज का भी प्रोग्राम किया गया भाई। ये देखो अभी शायद प्रोग्राम स्टार्ट नहीं हुआ है। लेट वी शेयर मोमेंट। आज 30 अक्टूबर है, जो फेयर भी है अपने आई टी कैंपस में, और आपके साथ इवेंट शेयर करते हैं। चलो अपने कॉलेज की जो बिल्डिंग का सेक्शन है उसके पीछे बनाया गया है भाई यहाँ पे, और यहाँ पे इनके लिए खाने पीने की व्यवस्था भी की गई है। तो भाई नियर बाई के जितने भी आदमी हैं, जो भी अपनी आँख की जाँच करवाने के लिए हैं, देखो भाई पब्लिक बहुत ज़्यादा आई हुई है। और यहाँ पे देखिए इनका चेकअप पॉइंट्स बनाए गए हैं भाई, बहुत बढ़िया व्यवस्था की गई है यहाँ पे। आई टेस्ट, आई चेकअप सभी के लिए अच्छा सेक्शन बनाया गया भाई। देखो अभी इनका शायद शेड्यूल तैयार नहीं हुआ है, सारे डॉक्टर साहब हैं दूर से।
बाहर से कौन से तो वो इंदिरा गांधी आई हॉस्पिटल से आए हुए हैं, यहाँ पे चश्मा की जांच की जाएगी भाई। हाँ यहाँ पे देखो ये अपना इक्विपमेंट्स रखे हुए हैं और इस साइड सारा दिखाई दिया आपको। तो चलो अभी मोटा मोटा अभी आपके साथ शेयर कर दिया है यहाँ पे, अभी चलते हैं घर पे और बापू को लेके आते हैं। तब तक के लिए अभी एक प्रोग्राम छूट जाएंगे सारे और इसका ये स्टेज कार्यक्रम भी स्टार्ट हो जाएगा। तब तक के लिए चलते हैं, ये बापू को लेके आते हैं भाई। अंदर का मोटा मोटा इवेंट शेयर किया है, अभी आई चेकअप हो रहे हैं तो उनकी भी चेक करवाते हैं और आपके साथ मोमेंट शेयर करते हैं। तो लेट्स गो फॉर इट। बापू को बैठाएंगे, ये अपनी गाड़ियाँ खड़ी हैं इधर, सिस्टम है भाई इधर। देखा जाए ट्रैक स्टार्ट हो जाता है यहाँ से। बापू लेके आते हैं फिर चलेंगे उधर भाई। नहीं तो से बोखड़ी बापू और के उड़ा जा रहे हैं, घना है भीड़ है उड़ा। चला आ जा इबा उड़ा है, जिस तरह आदमी घना है बैठा है, टोकन टाकन दे दियो, मशीन ला ली, डॉक्टर आ जा। आज दिखा भी लो तो चलिए बापू को लेके चलते हैं भाई। बैठ ले बापू, उस पर बैठ जाए नीली बड़ी खड़ी और क्या चल रहा हो। बैठ जाओ बापू, आ जाए बैठ ले। सो गाइस दिस इज अवर फर्स्ट वीडियो, पहली वीडियो है। बापू जा रहे थे बंगाल तो अभी तक एक वीडियो भी नहीं देखा होगा, अभी हमारी पहली वीडियो है। आए हैं तो यहाँ पे जो बताया था आई चेकअप कैंप लगा हुआ है, वहाँ पे जाके बापू की आँख चेक करवा लेते हैं। तो चला बापू, थोड़ा सर मार रहे हैं, धीरे धीरे कई वीडियो जाएंगी तो कोई दिक्कत नहीं, कंफर्टेबल हो गए फर्स्ट वीडियो, बट डोंट डू एजिटेट। तो चलिए चलते हैं, चलते चलो ब्रो, गाड़ी थोड़ा बैक करते हैं। गाइज अभी ये जगह फुल हो चुकी है, गाड़ी को पार्किंग करेंगे। चलिए बापू को ले चलते हैं, आ जाओ। अभी भाई अंदर देखो यहाँ पे जांच कैंप चल रहा है, सारे मोमेंट शेयर करते हैं आपके साथ। यहाँ भी देखो पूरा पूरा जो चेकअप हो मैंने पूरा टेंट में ये बैठा रहा है। आ जा खुल गई है, खुल गई, कॉन्फिडेंट कॉन्फिडेंस आओ इन छोटी छोटी एक्टिविटीज करा बाद में। मैं एक बार टोकन पर्ची आलो कर आया हूँ, पूरे दिन एक बार कुर्सी कर रही है, उड़ा कुर्सी आप बैठ गई, मैं बार उड़ा कर रहा हूँ। देखो भाई रजिस्ट्रेशन का काम हो रहा है यहाँ पे, तो इसमें करवाते हैं रजिस्ट्रेशन लेके फिर अंदर प्रविण बनाइए 8979 7979। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का काम चल रहा है, बापू का चलिए करते हैं आपके साथ अंदर की मूवमेंट शेयर, बहुत देर हो गया। चलो ये देखो ड्रोन उड़ाया जा रहा है भैया, नो प्रॉब्लम। तो गाइस अभी 433 नंबर आया भाई, तो अराउंड भीड़ तो बहुत ज्यादा है, बाकी का चेकअप चल रहा है। चलो अंदर जाके देखते हैं क्या कुछ चल रहा है, यार कितनी भीड़ है, अलग अलग सेक्शन बनाए गए भाई। ओ नो भाई इधर तो भाई भीड़ बहुत ज्यादा बड़ी है, आपसे तो दिख रहा है कि जल्दी नंबर आ जाएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ है। इसमें भी रो में नंबर लगे हुए आई चेकअप में, डॉक्टर सब अपने काम पे लग रहे हैं भाई। आधे घंटा लगे जाते हैं ना मोटा मोटा, इस वाला ये वाला सेक्शन खाली पड़ा है, कोई नहीं है दो तो भीड़ भाई है उसमें, आई टेस्ट में आई चेकअप में आधे घंटे में नंबर आ जाएगा अपना। तब तक के लिए यहाँ पे बैठते हैं, आई चश्मा सेक्शन है,
चश्मा में प्योर चश्मा मिल गया। देखो भाई अपनी आई चेकअप करवा रहे हैं भाई सारे गांव के लोग, और यहाँ पे अलग अलग सेक्शन बना दें ताकि जल्दी से काम निपट जाए। अभी बाकी अपना वेट कर रहे हैं भाई नंबर का, और यहाँ पे देखो खाने पीने की व्यवस्था कर दी इनकी, और ये देखो भाई आई टी वाला स्टाफ बोल के ले रहे हैं प्रोग्राम। कोई ना, तब तक के लिए वेट करते हैं भाई। जो अध्यक्ष है उनके नेतृत्व में उनकी टीम बैठी है सोनू शाहवास, और भाई सुनील जिला पार्षद मारा रिश्तेदार भी है पड़ोसी है, और अशोक कुमार महेश फौजी जितनी भी टीम बैठी है इतनी क्लैरिटी थोड़ी है, जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। 5% की बात मैं बोले जितनी भी तारीफ की जाए भाई बहुत बहुत कम है। ईशा भाई बहुत बड़ा परिवार में जन्म लिया जो भाई यहाँ पे प्रोग्राम का कार्यक्रम चल रहा है और पूरी पब्लिक वहाँ पहुंची हुई है, तो आप आनंद ले। प्रोग्राम शुरू कर कर शुरू करे उस टाइम को जितने भी धना भी हमारा एक पूरा सिस्टम से आया कि कोई भी पेशेंट हमारे कैंप में आएगा उसको चेक किया जाएगा, अगर ऑपरेशन हुआ है लंच रूम है तो उसको बाकायदा ये इंदिरा गांधी हॉस्पिटल को हमने जिसे टाइप कर रखा है गुड़गांव में एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, यहाँ से मरीज को बस ले जाएगी वहाँ उसका ऑपरेशन होगा पाकर जाए और लंच बना जाए उसके बाद वापिस जाकर छोड़ा जाएगा। सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट और खाने का भी पैसा की सब कुछ हॉस्पिटल की तरफ से होगा, किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं होगी। और जिस भाई ने भी अब तक 30 लाख के मोबाइल थे वो भी यहाँ आए हो ये बता सकते हैं कि ऐसी आगे बनी हुई आगे साहब इस पोस्ट से बड़ी आवश्यकता है सारा काम अच्छा होगा। और तो भाई इस वक्त ने बताया भाई जो अशोक भाई बताया हमें दो सुबह दो तस्वीर भाई कहीं हमारे काम में सबसे अपने इस एरिया में गांव में बल्कि खेतों में रहते हैं होता है, और वो बच्चियाँ फेसाम रहते हैं वो अपने स्कूल को ही बुला रही है बस तो है आप लोग आप हाँ कोई लोग उसको पूरी मैनेजमेंट है सारा सिस्टम है पुलिस का बेटी का आप अगर आपने आप मैनेजमेंट कर सकते हो तो आप से करवा रहे हो, लेकिन हमने ये कह दिया था उसने भी कह दिया था लिफाफ मिली है हमारी कि हम जिस तरह आपका कॉलेज खुल के तैयार होगा और जितने बच्चे होंगे उसके अनुसार जितने भी बच्चे आपको चाहिए बच्चे आपको देंगे। यहाँ पर बोर पानी का वो बोर करवा देंगे पाइपलाइन करवा देंगे। और बताओ जो समाज सेवा जो बढ़ सकता होगा हम पूरा करेंगे आपके लिए, हमने यही काम करना है यही खर्च करना है कि मैं विश्वास देखना चाहूंगा। ठीक है जी राम राम। भाई शोकपेन जी कसोला का बहुत बहुत धन्यवाद, हर भाई महेश फौजी अशोक ने मिलकर है न कान में या बात पे या थोड़ी बोली शोकपेन सुबह पूछा हमने 7,000 का एक बेंच बना था तो 7 लाख रुपया का हो तो 7 लाख रुपया के बेंच भाई ने आपके बीच में घोषणा की है, और इनकी घोषणा का रिजल्ट होता है विद इन 24 आवर। जब भी ये सरपंच हमारा शोक अपना बेंच का किसी बात करके बढ़वाओगे भाई से पैसा बहुत बहुत धन्यवाद।
हेलो दादा रहिए हेलो भाई, ये रजिस्ट्रेशन नंबर हो जो है और ये डॉक्टर साहब आंखें का चेकअप कर रहे हैं, जिन पर नंबर आवे वो अपना आराम से करवाओ, 10 मिनट घंटो 8 घंटो 5 मिनट को भी सब करवाओ आराम से। संदीप भाई सोमवीर को सोला संबोधन खत्म हो गया भाई, अभी यहाँ पे जो कैंप लगाया गया है उसका दौरा करेंगे शायद। ये अपने जो कॉलेज है वहाँ पे बन रहा है जोड़ में, उसकी पुरानी बिल्डिंग है भाई, तो अभी इसके यहाँ पे कैंप के लिए आएंगे। चश्मा जांच कर पैसा पहले की पैदा हुआ था, बुरे कमाए है और भाई मरा है जब सारा फूक की जाना सही बात है। अपना कमाया है हम समाज से हम लगा फिर भाई, तो अभी चलिए नंबर लग गया होगा ऑलमोस्ट मोटा मोटी सभी का हो चुका है, अभी इनका अभिवादन था हमारे आईटी के अंदर। चलिए आपके साथ शेयर करते हैं आगे के मूवमेंट क्या कुछ चल रहा है अंदर, लेकिन आगे कुछ भीड़ लगी हुई है भाई, देखो लाइन बाहर तक है, आज से दो एक दो घंटे और लगे हैं, नो प्रॉब्लम बहुत लंबी लेना भाई, सही चल रहा है काम, ऑलमोस्ट एक दो घंटे लगेंगे, नो प्रॉब्लम, तो करते हैं आपके साथ मूवमेंट शेयर। गुड इवनिंग एवरीवन, हमारे एरिया में पहुंचे हैं सोमवीर सर और सुनील सर और सभी, तो हमारे यहाँ पे बहुत से काम करवाने वाले हैं सामाजिक कार्य, तो उनके बारे में पूछेंगे तो कुछ है। नमस्कार सर, आज ये कादमा में जो कैंप का आयोजन है, इसके संयोजक थे हरियाणा माइनिंग यूनियन के प्रधान सोमवीर गसौला जी ने इसका आयोजन किया है, तो इन्होंने एक समाज सेवा का बेड़ा उठा रखा है, ये इनका चौथा कैंप है, जो जुबारडा में भी कैंप का आयोजन हुआ है उनमें बड़े विस्तार से मतलब चेकअप होता है, और एक मल्टी हॉस्पिटल है गुड़गांव का इंदिरा आई हॉस्पिटल, उसमें जिस भी बुजुर्ग को माता बहन जिसको भी कोई तकलीफ होती है मोतियाबिंद की, तो ऑपरेशन की भी विशेष सुविधा है, यहाँ से बस में बैठा के उनको बाकायदा गुड़गांव ले जाके उनको ऑपरेशन करवा के एक दिन बाद उनको यहीं छोड़ा जाता है। इन्होंने एक ये जो समाज में सेवा का बीड़ा उठाया, इसमें इसी कड़ी में जैसे पीछे भी इन्होंने जो कॉलेज में छात्राओं की सुविधा के लिए बसें दी हैं, आज भी इन्होंने कादमा गांव में सभी के बीच में अनाउंस किया है, जिस दिन भी कादमा का कॉलेज स्टार्ट हो जाएगा उसी दिन 5 बसों की इनकी तरफ से व्यवस्था, जितनी भी उन्होंने दिल खोल के ये भी कहा है सोमवीर जी ने, जितनी भी बसों की आवश्यकता होगी वो बसों का प्रावधान यहाँ कर दिया जाएगा, उनकी व्यवस्था कर दी जाएगी। इसी कड़ी में इन्होंने अपने इलाके में, जैसे मैं एक उदाहरण के तौर पे बताऊं, अपना जो इंदोखला धाम है वहाँ भी इन्होंने 5,51,000 रुपये की राशि देकर उसको भव्य निर्माण के लिए अपना अनुदान दिया है। ऐसे ग्रुप जो अपना इलाके का एक मशहूर, बल्कि मैं ये कहूँ पूरे दक्षिण भारत का सबसे प्राचीन और मशहूर कन्या गुरुकुल है, उसमें भी इन्होंने एक अनाज इकट्ठा करने के लिए सुविधा के लिए
कन्याओं के लिए फल सब्जी लाने के लिए एक पिकअप डाला महिंद्रा का 14-15 लाख रुपए जिसकी कीमत है, वहाँ उन्होंने अपनी तरफ से अपने निजी कोष से दिया है। तो हम सभी जो इलाके के बुजुर्ग मौजूद व्यक्ति हैं तो सभी इनका इसके लिए आभार प्रकट करते हैं, साधुवाद करते हैं। और आज इन्होंने ये जो ITI में छात्र जो इन्होंने खुद अपने आंखों से देखा नीचे बैठ के पढ़ रहे हैं, उनके लिए भी 100 बेंचों की व्यवस्था जिनकी अनुमान लागत 7 लाख रुपए का प्रोक्स आएगी वो भी, और एक यहाँ बोर की व्यवस्था करने का आश्वासन दिया है जो जल्द ही इसको अमली जामा बनाने का काम करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ आए हुए सभी मुख्य अतिथियों का अभिनंदन करता हूँ, और सबसे अच्छी बात जो है अपने प्रधान जी सोमवीर गसोला से जो है उन्होंने एक ऐसी मुहिम शुरू की है जो हर घर तक ज्योति पहुंचाने का इनका जो प्लान है कि जो भी देख नहीं पाते हैं, जिनकी आंखों में प्रॉब्लम है, मोती अरविंद की समस्या बहुत बड़ी है, तो कई परिवार ऐसे हैं जो नहीं करवा सकते, उनको अपने खर्च पे नहीं उठा सकते। मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो है उसकी सुविधा गरीब परिवारों को देने का प्रयास प्रधान जी कर रहे हैं, और हम इनका अभिनंदन करते हैं। यहाँ से गुड़गांव भेज रहे हैं, जो उनके लिए संभव ही नहीं था, सोच भी नहीं सकते थे कि गुड़गांव में उनकी आंखें बनेंगी, उनका भी सपना पूरा हो रहा है और उनको नजर मिल रही है। तो प्रधान जी का जितना धन्यवाद करें उतना कम है हमारे लिए, और हम तो इनका बार बार धन्यवाद करते हैं। अभी अंदर जिनकी आंखों में प्रॉब्लम थी उनको इंदिरा गांधी जो आई हॉस्पिटल है गुड़गांव के अंदर उनके वहाँ पे रवाना किया जाएगा, पीछे बस फुल हो रही है। अरे सोमवीर प्रधान जी, तो आप क्या कहना चाहेंगे? अभी जो हमारे पेशेंट आए हैं उनमें से जिनको मोतियाबिंद बताया है उनको यहाँ से बस गुड़गांव ले जाएंगे, इंदिरा गांधी आई हॉस्पिटल में वहाँ उनका ऑपरेशन होगा, आज ले जाएंगे, कल इनका ऑपरेशन होगा, परसों यहाँ वापस छोड़ के जाएंगे। तो इतनी बड़ी निःशुल्क सेवा कर रहे हैं हमारे एरिया के लिए, बहुत गर्व की बात है। तो हमारे एरिया में ऐसे डेवलपमेंट करते रहे, हमसे जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। यहाँ पे देखिए गुड़गांव में इंदिरा गांधी आई हॉस्पिटल गुड़गांव है, उनकी जो टीम है वहाँ पे रेफर किया जाएगा भाई, तो एक दो दिन तक ऑपरेशन चलेगा, खाना पीना सब कुछ इनकी तरफ से है भाई, एक भी रुपया नहीं लगा, निःशुल्क है। तो बहुत बढ़िया सेवा कर रहे हैं भाई, ये देखो। और अभी सुबह आए थे, शाम तक इधर ही हैं भाई, तट पर है सेवा में, तो बहुत अच्छी बात है, हम इनका दिल से आभार व्यक्त करते हैं। अपने चरखी दादरी जिले की आन बान शान बहुत ही बड़े मान समाज सेवी भाई सोमवीर गसोला जी ने एक नेत्र जांच बड़े कैंप का आयोजन किया गया है कादमा गांव में, इससे पहले उन्होंने जोजू में भी लगाया था, बारडा में भी लगाया था, और आज बहुत मतलब 1600-1700 के समथिंग तो अभी OPD चल रही है, इसके बाद देखो तो 2000 के समथिंग पहुंच जाएगी मेरे हिसाब से। तो बहुत बड़ा यो काम किया है नेत्र जांच खातर, बहुत मारा आदमी परेशान से बड़ा बुजुर्ग, इनके आंखों का ऑपरेशन करवाऊंगे, ये आंखों के ऑपरेशन के साथ साथ इन्होंने और भी बहुत, जैसे ITI कैंपस में एक वाटर बोर के निर्माण के लिए बोला है, कॉलेज में हमारी जो बेटियां आती हैं एरिया की कादमा कॉलेज के लिए उसके लिए 5 बसों का आवागमन के लिए 5 बसें देने का उन्होंने बोला है, आज 5 बस देंगे, इन्होंने पहले भी जो कॉलेज के लिए 6 बस दे रखी हैं, और बेटियों के बैठने के लिए कॉलेज में बेंचेज की व्यवस्था के लिए भी बोला है। तो इससे बड़े समाज सेवी हमने तो आज तक देखे नहीं थे, बहुत बड़े आदमी मिले हैं समाज के लिए, हम सोमवीर गसोला जी का आभार व्यक्त करते हैं। पर्ची मिलेगी अगर वे ये इलाज करी तो अस्पताल में गाड़ी बढ़ाई ले जाना गुड़गांव में, और ना अपने छाती करवा ला, पुतली प्रॉब्लम आँख में कि होगी मैं इसी को बात को नहीं है, चेक करवा दिया बापू के मोती की प्रॉब्लम है पुतली प्रॉब्लम था मन दौर के तो पर्ची बनवा हाँ, ना तो अपनी छाती प्राइवेट सरकारी इलाज हो जाएगा है पुतली आँख की आदि खैर जिसकी इस आँख में प्रॉब्लम थी नुरली ठीक है श्याम ने लाई देखू मैं आराम पूरा दिन बचे रहे
तो भाई हो गया है, बता दी क्या प्रॉब्लम है। मोती ये प्रॉब्लम बताइए बापू क्या है। तो भाई चेकअप करवा दिया दोनों का, अभी चलते हैं घर पे। चलो पूरा दिन होगा भाई, 10 बजे लेके आए थे, भूख प्यास लग रही चाय पाने का टाइम, घर पे जाए कुछ करते हैं। सारा दिन बैठे बैठे का इंटरव्यू गया यार, चेक करी। तो उसने बता दी ना क्या प्रॉब्लम बताई है। मैं बताऊं लग इस नाम तू ने बापा ने बता दी। तो के यह प्रॉब्लम है मेरे तो पानी के घर वासी रहे से आम ने मोहन मोती है बताई। तो इसने जो बताई है सही है यार, ये भी इलाज करने खातिर लो भाई यो करो। तो ये गुड़गाम में बेचते है यार। गुड़गाम में तो नहीं बस खड़ी थी क्या ना रहे फिर इलाज कराई। राम राम दो के कर रहा है आँख दिखाई लाए हूँ आगे। आँख में मोतिया रहे हो, मोतिया बताया है दवाई से अपने घर मोतिया बताया है। तब मन दौर के भी तब मन दौर के मोतिया जो काय मिश्रा है के मोतिया की जो आई थी राजू में मोतिया की जो आई। अच्छा राजू में पप्पू ले भाई पप्पू सुबह के कही थी मैंने शाम न लिया वो तड़के की तड़के ही शाम ना हो ना तो आराम थी हो भाई। इस तरह बिना टिकट वाला बढ़ रहा था लेने में टिकट वाला जो अच्छा नहीं रही ना डॉक्टर भी थक ले पूरा दिन देख देख तो जब देखू तो वहाँ पर वो ठीक से उसने बता दी हमारा हाथ पर्ची बनाई था। तो ये मोतियो बतायो मतलब हाँ ये मोतिया को इलाज कराना हण कने तो ये पर्ची बनवाओ चाल गुड़गाम में भेजिया ना तो मोतिया के शायद बताया डॉक्टर ने दे दे काम हो रहा है डॉक्टर भी हो बात तो है इलाज बता दिए बड़े अस्पताल में दे रही थी और बताऊंगा जिद करवाऊंगा ना कौन करवा और तो बता दिया तो फिर इनको ऑप्शन कौन रहो नहीं बे तो नहीं पर्ची कटवा की भी इलाज कराई और अगर मान ली वे तो दिखावा ठीक है तो आए तो बस वहा दिखावा ठीक है हाँ के वो बतायो के करवाण गयो के बतायो मनो तो नजीक की चश्मा गई छे दीदी मन तो बेकूफ बना दियो न्यू गयो मोची यो से रवा तेरी लेडीज कोरी मिले हो को तू आवा छोटी जी हां सही बतान तो बस हो की सो से मन को नहीं मैंने को सही बताई है वो सही बता वो डॉक्टर नहीं है मन ने मेरी चश्मा मा कर नजीक को काट दी था दूर को बात दिखा तो उन मोची की जो बता दियो तो मोची लान तो दिखा कोई नहीं तो दिखा की छता नूरली में सफेद सफेद जी हम तो कोई नहीं हां सफेद ना वाह आ कुंगरा तो बात थोड़ी बढ़िया से अच्छी सी उसे ने बताई है उसे ने बोल ने मैं तो बताई हां ने हम तो बताए छाए तो न्यूज को बताए नु मोची दोनों हम से के एक में तो मोती तावड़ में तो तोर ताऊ को बताए पुतली क्या कर दो गांव लागी बढ़िया लाग अच्छा सही है ना नु का मेरो अपो को फद्दू बनाई मैंने हां फद्दू को बनावा मैंने को सही ई पर्ची बनाओ है अरे वो बड़ा वो डॉक्टर से दे वो तो सुसरा पर्ची बना दू मैं गुड़गाम में इलाज कर दिया चाल ने बताई मैं क्या करूँ मो साल दूसरा करा लिया वो बढ़िया अस्पताल में दिया इंदिरा गांधी ने दी अन्य खर्च उठा रखे है सारा बुढ़ा हूँ एक बस भर तो भेज दी गई जान दे अपन रोग बताए से या बा पैसा न कटवा जाएंगे हां ठीक है बात से मन मना उठ चला कब करवाई यार ये देखो भाई ताऊ 1 घंटा को ट्राई मार दे खिड़की को लड़की खिड़की नहीं खुली देखिए ताऊ दौड़ा को छोड़ दे दूं और क्या कभी करा ठीक है दादा या न मनवा मोजियो बता दियो तो मोजिया क्या जो बने को नहीं मोतिया की तो वही डॉक्टर बनाओ इलाज पर दे विश्वास हो गई वहाँ से ही करवाओ थी पंडित का मोजियो बतायो तो बहुत ही ठीक हो जाए रहा है लेता हूँ खोल कहीं तर नहीं खोल लू बस आ रुक जाए बार एक मिनट इन्हें ले मार इधर ठीक है तो बंद कर दे आगो काम लग गया सही है बड़ा यहाँ और भाई लकी
क्या हाल है? सुबह छोड़ के गया था, स्कूल से आ गया। हेलो कौन कर रहे के? हेलो एवरीवन। तो चलो भाई, चाओ टेम बापू, पूरा दिन काट दियो आज को लिखड़ा। तो भाई लक्की अपने से ज्यादा बैग में भर के आ चुका है स्कूल से। ले जा बना चाली जोर सब दिन निकल गयो, कही थी मन तो तेरे ताई। तो ये काम छूट गया, मैं बोलो एक बेर दो वो पाइप की गेट दियो के बैग है वो छोड़ बे एक छो। हां ले खुलियो की छो। अरे सोया करू वो बेट वो पार ले। हां ले उतर जा आराम से। बंद कर दू पे। हाँ दो की खड़ी करनी हो रही। तो चलो भाई अभी जाएंगे ग्राउंड पे, पूरा दिन हो गया आज का। तो ठीक है भाई, बापू को जो प्रॉब्लम थी वो लगा दी डॉक्टर ने, तो अभी चाय पानी पी के इसको धोना पड़ेगा। पूरा दिन हो गया, सारी नहीं खड़ी थी धो के सारी मट्टी को भर लिया मैं। तो आज का व्लॉग यही एंड करते हैं, पूरा दिन सही रहा भाई। ठीक है, ऐसे ही गच कंटेंट के लिए बने रहे, और अभी गच वीडियो आएंगे बापू के साथ में, शेयर करेंगे आपके साथ में, एंजॉय करते रहें। जय हिंद जय भारत।